कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाइद हसन को आज कैराना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। बताया गया है कि 11 माह पहले यहां के जो पुलिस प्रशासन है उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाई थी और उनकी जो माता है पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और 40 लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाई थी, उसी मामले में सपा विधायक नाइद हसन वांछित चल रहे थे। बताया गया कि आज वे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट शामली में जा रहे थे, उनको जो है पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। और जो कैराना स्थित जो फास्ट ट्रैक एवं सत्र न्यायालय है उसमें पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर जो है पेश किया। राणा जी, आज कैराना सपा विधायक और प्रत्याशी भी है, गिरफ्तार किया है पुलिस ने, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? कल जो है नाइद हसन का नॉमिनेशन फाइल हुआ था, आज उनका जो है शपथ होना था। यहाँ की सरकार जो है वो चाहती है कि नाइद हसन किसी भी तरीके से नाइद हसन को चुनाव लड़ने से रोक दिया जावे। नाइद हसन यहाँ के एक लोकप्रिय विधायक हैं। नाइद हसन अब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार चाहती है कि नाइद हसन चुनाव न लड़े। फिलहाल जो सपा विधायक है नाइद हसन उनको जो है कोर्ट ने जेल भेज दिया है और पुलिस की सुरक्षा में उनको जेल ले जाया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? की जीत होगी, योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। कैमरा पर्सन अनस फारूकी के साथ जनवाणी न्यूज, आरिफ चौधरी, कैराना।